हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद एक्सपर्ट्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आइलैंड की जहां पर किसी का भी जाना मना है। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों है और कौन सा ऐसा आइलैंड है। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया के अंडमान निकोबार के पास स्थित नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की, जो कि अंडमान निकोबार का ही हिस्सा है। 60 किलोमीटर स्क्वायर में बसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले लोगों का मॉडर्न सिविलाइजेशन से कोई भी कांटेक्ट नहीं है। इन लोगों को नॉर्थ सेंटिनलीज ट्राइब कहते हैं। ये शायद दुनिया की आखिरी अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब है। ये लोग अपने आइलैंड को प्रोटेक्ट करते हैं और किसी को भी वहां नहीं आने देते। चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। 26 ईयर ओल्ड जॉन एलन चाओ, जो कि अमेरिकन मिशनरी थे, उन्होंने नवंबर 2018 में डिसाइड किया कि वो इंडिया के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर इलीगली जाएंगे। जॉन अपने रिलीजन के बारे में नॉर्थ सेंटिनलीज को नॉलेज देना चाहते थे। 14 नवंबर 2018 को नाइट में एक मछुआरे की मदद से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की तरफ गए और अपने साथ सेंटिनलीज के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर गए, जिसमें मछलियाँ, फुटबॉल और बाइबल थी। जब वो उस आइलैंड पर पहुंचे और सेंटिनलीज से बात करने की कोशिश की, तब ट्राइब के लोगों ने उन पर अपने बो और एरो से हमला कर दिया। जॉन घबरा गए और वहां से भाग निकले और कुछ घंटे बाद वापस नॉर्थ साइड से आइलैंड पर जाने का ट्राई किया और वहां पर मौजूद लोगों को अपने साथ लाए हुए गिफ्ट देने की कोशिश की और बाइबल से कुछ समझाने का ट्राई किया। बट लैंग्वेज डिफरेंट होने के कारण सेंटिनलीज कुछ समझ नहीं पाए और उन्होंने जॉन पर हमला बोल दिया, जिसकी वजह से एक एरो जॉन की चेस्ट पर मौजूद बाइबल में लगा, जिससे जॉन की जान तो बच गई और वह वहां से भाग निकले। और फिर से 16 नवंबर 2018 में अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर वापस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की तरफ गए और फिर वहां से कभी वापस नहीं लौटे। उनको छोड़ने गए मछुआरे ने दूर से देखा कि सेंटिनलीज एक बॉडी को बीच पर दफना रहे थे। कपड़ों से मछुआरे ने आइडेंटिफाई किया कि वह बॉडी जॉन की ही थी। क्या आप जानते हैं अंडमान निकोबार ग्रुप में 572 आइलैंड्स हैं, जिसमें से सिर्फ 38 में लोग रहते हैं और 12 टूरिस्ट के लिए ओपन है। नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड पोर्ट ब्लेयर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। माना जाता है कि नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड पर 60,000 सालों से लोग रहते हैं और अपने आप को दुनिया से आइसोलेट रखते हैं। इस ट्राइब को लास्ट स्टोन एज ट्राइब भी कहते हैं, क्योंकि ये लोग आज की डेट में भी हंटर गैदरर लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। मींस ये लोग अपने खाने को उगाते नहीं हैं, बल्कि पेड़ से तोड़कर या फिर जानवरों की हंटिंग कर या फिर फिशिंग करके खाते हैं। ये लोग अपने आप को दुनिया से आइसोलेट रखना चाहते हैं, क्योंकि जब भी कोई इनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है, ये लोग उस पर हमला कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, इवन 2nd सेंचुरी एडी से लेकर 673 सेंचुरी एडी और 8th, 9th सेंचुरी एंड देन 11th सेंचुरी तक सभी ट्रेवलर्स ने अंडमान निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड पर रहने वाले सभी ट्राइब्स को आइलैंड ऑफ कैनिवल्स के रूप में डिस्क्राइब किया है। इसका मतलब है इस आइलैंड पर रहने वाले लोग ह्यूमन मीट खाते हैं। अब अगर बात करें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की, तो इसका रिकॉर्ड फर्स्ट टाइम 1771 में मिला था, जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी का शिप यहां से निकला और उस पर मौजूद सर्वेयर्स को इस आइलैंड से कुछ रोशनी दिखाई दी। इसके बाद 1867 में एक इंडियन मर्चेंट शिप का एक्सीडेंट इस आइलैंड के शोर पर हो गया था, जिस पर करीब 100 पैसेंजर्स थे। सर्वाइवर्स पर सेंटिनलीज ने हमला किया, बट ब्रिटिश इंडियन नेवी की मदद से सर्वाइवर्स बच निकले। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम जब किसी ने सेंटिनलीज को इस आइलैंड पर देखा था। उसके बाद 1880 में ब्रिटिश ऑफिसर मॉरिस बिडल पोर्टमैन ने डिसाइड किया कि वो सेंटिनलीज से कम्युनिकेट करेंगे। उस टाइम तक ब्रिटिशर्स बाकी अंडमान निकोबार के ट्राइब से कम्युनिकेट करते थे, इसलिए नॉर्थ सेंटिनलीज से कम्युनिकेट करने के लिए बाकी के ट्राइब के लोगों को साथ लेकर गए और वहां जाकर पता चला कि नॉर्थ सेंटिनलीज की लैंग्वेज बाकी के ट्राइब्स से बहुत अलग थी और वो एक दूसरे से भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे।
वहां से वापस आते टाइम पोर्टमैन ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से एक बुजुर्ग कपल और 4 बच्चों को किडनैप करके अपने साथ पोर्ट ब्लेयर ले गए। बट कुछ टाइम में ही उस कपल की डेथ हो गई, क्योंकि सेंटिनलीज दुनिया से इतना कट ऑफ थे कि वो आइलैंड से बाहर का मौसम और नेचर बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। उसके कुछ टाइम में ही पोर्टमैन को उन बच्चों को वापस आइलैंड पर छोड़ना पड़ा। आफ्टर फ्रीडम 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस आइलैंड पर विजिट किया था। पंडित जी अपने साथ 20 लोगों की टीम लेकर गए थे, जिसमें साइंटिस्ट, आर्म्ड फोर्सेस, अनआर्म्ड नेवी पर्सनल और गवर्नर थे। आइलैंड पर पहुंचकर टीम ने सेंटिनलीज के फुटप्रिंट को करीब 1 किलोमीटर तक फॉलो किया, बट उन्हें कोई भी सेंटिनली नहीं दिखाई दिया, जिससे वो वहां से वापस आ गए और कुछ गिफ्ट्स छोड़ आए, जिसमें कोकोनट, पैंस, पॉट्स और कुछ आयरन टूल्स थे। 1970 में एक ऑफिशियल रिसर्च टीम इस आइलैंड पर गई, जिन्होंने एक स्टोन एस्टेब्लिश किया जिस पर लिखा था कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इंडियन टेरिटरी का ही पार्ट है। 1974 में एक इंडियन फिल्म क्रू भी इस आइलैंड पर गया था, जिन्होंने स्ट्राइप पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इस क्रू में कुछ आर्म्ड फोर्स और त्रिलोकनाथ पंडित भी थे। इस बार भी इन लोगों ने कुछ गिफ्ट्स छोड़े, जिसमें कोकोनट और जिंदा पिग भी था, और दूर से ऑब्जर्व किया। कुछ टाइम बाद इस ट्राइब के कुछ लोग बाहर आकर अटैक करने लगे, जिसमें से एक एरो डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर प्रेम वैद्य के पैर में लगा, और जो गिफ्ट में पिग दिया था उसे भी मार दिया और उसे दफना दिया। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम जब इस ट्राइब के लोग कैमरा में कैप्चर हुए थे। उसके बाद 1970s, 80s और 90s में त्रिलोकनाथ पंडित के द्वारा काफी अटेम्प्ट किए गए इस ट्राइब से कम्युनिकेट करने के लिए, और हर बार ये छोटी छोटी टीम के साथ जाते थे और कुछ गिफ्ट भी लेकर जाते थे, और हर बार ट्राइब के लोग गिफ्ट पर बो और एरो से हमला कर देते थे, और जो गिफ्ट में लिविंग थिंग्स होती थी उनको मारकर सैंड में दफना देते थे। 1981 में प्राइम शोर नाम का एक मर्चेंट शिप बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, जो तूफान की वजह से इस आइलैंड पर अटक गया, उस पर भी सेंटिनलीज ट्राइब ने बो और एरो से हमला कर दिया। फॉर्चुनेटली कोई भी एरो किसी को नहीं लगा, क्रू ने डिस्ट्रेस कॉल की और किसी तरह एक हफ्ते तक इस शिप पर जिंदा बचे रहे, और एक हफ्ते बाद एक हेलीकॉप्टर ने आकर क्रू मेंबर्स को बचाया। उसके बाद इस ट्राइब ने पहली बार आयरन को देखा और उसे अपने हथियारों में यूज करना स्टार्ट किया, और यह शिप आज भी आप गूगल मैप पर देख सकते हैं। उसके बाद 1991 में फर्स्ट टाइम नॉर्थ सेंटिनलीज ने पहला फ्रेंडली कॉन्टेक्ट किया। जनवरी में इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला चट्टोपाध्याय अपनी छोटी सी टीम के साथ यहाँ पर आई थी और कुछ कोकोनट्स ऑफर किए, जिसे सेंटिनलीज ने एक्सेप्ट किया। उसके एक महीने बाद फिर से त्रिलोकनाथ पंडित और मधुमाला चट्टोपाध्याय साथ में इन लोगों से कॉन्टेक्ट करने गए, और इस बार भी ये कॉन्टेक्ट फ्रेंडली रहा। उसके बाद कभी भी इन लोगों ने कोई फ्रेंडली एक्सेप्टेंस नहीं दिखाया और हर बार अपने वो और एरो से हमला ही किया। ऐसा होते देखकर 1997 में इंडियन गवर्नमेंट ने नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड पर जाने के लिए बैन लगा दिया और आईज ऑन हैंड्स ऑफ की पॉलिसी को अपनाया, सिर्फ दूर से ध्यान रखना और कम्युनिकेट ना करना, और अगर कोई जरूरत पड़े तो उनकी मदद करना। उसके बाद 2004 में सुनामी के दौरान इंडियन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर से आइलैंड को मॉनिटर करने के लिए गए, तब भी सेंटिनलीज ने उन हेलीकॉप्टर्स पर बो और एरो से हमला किया, जिससे पता चला कि वो सभी सुरक्षित हैं। उसके बाद 2006 में दो फिशरमैन गलती से इस आइलैंड के करीब पहुंच गए थे, उन पर भी सेंटिनलीज ने हमला किया, तब गवर्नमेंट ने इस आइलैंड के 5 किलोमीटर के रेडियस का बैन लगा दिया। अकॉर्डिंग टू द डायरी ऑफ जॉन एलन चाओ, सेंटिनलीज की हाइट 5'3" to 5'5" होगी, इनके शॉर्ट हेयर्स और डार्क स्किन होती है, और ये कपड़े भी नहीं पहनते, सिर्फ अपनी कमर को ढककर रखते हैं। ये लोग एक्सप्लोरर नहीं हैं, अपने आइलैंड के बाहर नहीं जाते, और खाने के लिए ये लोग सिर्फ फ्रूट्स और जानवरों का मांस ही खाते हैं, ह्यूमन मीट नहीं खाते। इंसान की बॉडी को रेत में ही दफना देते हैं, और इनकी लैंग्वेज में हाई पिच टोन है। इनकी पॉपुलेशन इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अप्रोक्स 50 to 500 होगी। तो ये थी कुछ जानकारी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें,
हमें कमेंट करके अपने व्यूज़ बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।